हेलो गाइस, भूल तो नहीं गए? डिस्चार्ज होके भी मैं घर पे आ गया हूँ गाइस। और मैं कल शाम को डिस्चार्ज हुआ था, अभी मैं घर पे हूँ। अभी आप लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कहाँ हूँ, कैसा हूँ, तो देख लो अभी हालत क्या हुई पड़ी है। चलो मैं आपको बताता हूँ कहानी, कैसे ये शुरू हुआ, कहाँ, क्या, कब हुआ। ठीक, वैसे तो मेरे को भी नहीं पता चला। और आप लोग यार थैंक यू, बहुत ज़्यादा शुक्रिया सभी लोगों का, जितने भी लोग थे साथ में, अभी भी है, पहले भी थे, सबका मतलब सबका समझ रहे हो ना, सब में कोई छूटेगा नहीं, सबका। थैंक यू गाइस। ठीक है, तो गाइस सैटरडे, 2 वीक पहले सैटरडे को मेरे को फीवर आया था शाम को। क्या सीन था मैं आपको बताता हूँ। सुबह सुबह मैं वीडियो बनाया, फिर मैं जिम गया, मैं जिम से घर आया तो थोड़ा थकान थी, खाना वाना खा के एक दो गेम वेम खेल के मैं सो गया। मैं उठा शाम को, तो शाम को मैं उठा तो मेरा एक पूरा गला, मतलब गर्दन अंदर पूरा एक तरह जाम, मेरी आवाज़ बदल गई थी। ठीक है, तो आवाज़ बदल गई और फीवर 103 था। तो क्या हुआ, तो मैंने भैया को कॉल किया, तो उस टाइम तो नॉर्मल डॉक्टर से दवा लेके आ गया घर पे, डॉक्टर से दवा लिया तो उस दिन उससे राहत ही मिल गई। ठीक है, तो मेरे को लगा ठीक है नॉर्मल सा वायरल होगा, ठीक हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट डे फिर वो लाइव, वो बसर बिना बात के, ठीक है वो लाइव, डॉक्टर ने मना किया था बोलने को, लेकिन क्या करूँ यार, झूठा झूठा बोलते हैं सब, छोड़ो अभी। डॉक्टर ने मना किया था बोलने का, लेकिन फिर भी मैंने वो लाइव की। उसके बाद क्या सीन हुआ लाइव में, आपने देखा ही था, थोड़ा गाली, तो पापा ने घर पर बुलाया, घरा घरा, मैं घर गया। घर पे जाती पापा से, थोड़ी मम्मी से पापा से बात की, पर घर पे पहुंचते ही फिर फीवर आ गया, फिर वही 104। ठीक है, फिर वही दवा डॉक्टर को दिखाया, ठीक हो गया। लेकिन अगले दिन सुबह से, मतलब सैटरडे, संडे और मंडे, मंडे की सुबह से हालत ज़्यादा खराब हो गई। ठीक है, हॉस्पिटल गया JNMC, जहाँ भैया डॉक्टर है। ठीक है, तो गया वहाँ पे, कैथ लगी पहली, मेरे को लगा नहीं था कभी ये साला इतने देर रहेगा, 15 दिन रहेगा। पहली कैथ लगी, उसके बाद से रुकी ही नहीं गई, लगती गई लगती गई, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, पूरे दोनों हाथों की ऐसी तैसी हो गई, देख सकते हो यार, सब गया। ठीक है, और बीच में क्या सीन था, डॉक्टरों को भी मतलब पता नहीं चल रहा है कि है क्या ये। एक बार शुरू में टेस्ट हुआ, पहले सब वो लगा रहे थे कि शायद मलेरिया है, मलेरिया नहीं, फिर सोचा डॉक्टरों को लगा टाइफाइड होगा, 99% टाइफाइड नहीं, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया नहीं, बैक्टीरियल बता रहे थे पहले जो गले में दर्द था वो भी नहीं, वायरल, वायरल भी नहीं, मतलब कुछ रिपोर्ट में आ ही नहीं रहा, कुछ रिपोर्ट्स में आ ही नहीं रहा, सब रिपोर्ट नॉर्मल नॉर्मल, जो इंसान की रिपोर्ट्स होती है सब नॉर्मल थी। और मैं उस टाइम थोड़ा फीवर था, बेहोशी होशी में था, तो मैं सुनता था डॉक्टर डिस्कस करते थे कि कहीं तो कुछ मिस हो रहा है, कहीं मिस हो रहा है। फिर सीनियर आते थे फिर से दोबारा से, जो रिपोर्ट्स थी जांच के लिए, फिर शुरू से भेजा कि एक होता है गाइस ब्लड टेस्ट, नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, एक होता है ब्लड कल्चर, उससे ऊपर लेवल का होता है वो, उसमें कुछ होता है, कुछ छोटा कुछ छूटता पता लग जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं निकला। ठीक है, मैं उस टाइम पड़े पड़े सोच रहा था, भाई जब भी कुछ निकलेगा नहीं तो मैं कैसे ठीक होऊंगा भाई, कब तक ऐसे चलेगा, कुछ निकल ही नहीं रहा भाई कहीं, मतलब पूरी नॉर्मल इंसान की रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या हुआ। और तो पहली बार ऐसा फीवर आया गाइस कि मेरी इसमें कुछ गलती नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं भाई इसमें, मतलब ना कुछ गलत खाया, फूड पॉइजनिंग बता रहे थे वो भी नहीं, मतलब कुछ किया ही नहीं भाई। ठीक है, फिर एक मैं मेन मेन चीज बता रहा हूँ, एक मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक टेस्ट हुआ था गाइस, एक ये दवाई होती है। ठीक है, मेरे को इतना सुनने में आया, मैं और सुना, पहले इसका टेस्ट किया जाता है पेशेंट पे कि रिएक्शन तो नहीं कर रही, इसको पहले यहाँ पे आपको निशान दिख रहा होगा, इसको पहले खाल में लगाया जाता है, खाल में ऊपर सीधे खून में नहीं दिया जाता, ब्लड में नहीं दिया जाता, एक बूंद दी जाती है, अगर ये रिएक्शन कर जाती है तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है,
लेकिन ये ऐसी दवा दवा होती है, ये सब कुछ को कवर कर लेती है, वायरल हो बैक्टीरियल हो सब कुछ छोटा मोटा कवर कर लेती है। ठीक है, तो जिस दिन ये मेरे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये जो आप फोटो देख रहे हो एक एक्सपेरिमेंट था कि इससे बाहर सूजन जाएगी या रेड पड़ेगा, तो मतलब ये सूट नहीं कर रही। तो वो जो सिस्टर थी उसने बताया थोड़ी सी लगी सहना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ थोड़ी सी लगी कोई बात नहीं भाई, उसने लगाई रूह कांप गई भाई, ऐसा लग रहा था कि बॉडी से छोड़ के चली गई भाई, अंदर का सब छोड़ के आत्मा निकल गई भाई, सहा नहीं आ रहा भाई, पूरा हाथ सुन्न पड़ गया, मैं दबा रहा हूँ ऐसा कर रहा हूँ 8-10 मिनट तक तो हो ही नहीं रहा, हुआ क्या भाई ये। ठीक है, फिर थोड़ा नॉर्मल हुआ, हाथ चलाया मैंने ऐसे कर करके, ऐसे दबाया ऐसे चलाया। ठीक है, एक तो उस दिन याद है, और एक दिन और ईद से पहले, ईद से पहले मेरे को इसलिए याद है क्योंकि और जो पेशेंट थे वो छुट्टी कर रहे थे उनकी घर के लिए, उस दिन बहुत ज़्यादा हालत खराब हुई थी गाइस। ह्यूमन बॉडी में आप पीसीएम जो सीधे ब्लड में चढ़ाते पैरासीटामोल जो मेरे को चढ़ रही थी उसको दे सकते हैं आप 3000 mg करके कुछ, 3000 mg शायद उस दिन मेरी हो गई थी गाइस, 3000 mg से ज़्यादा नहीं दे सकते गाइस, उस दिन मेरी हो गई थी 4-4.5 4-4.5 हज़ार mg। फिर भी उस दिन फीवर 105 से नीचे नहीं आ रहा था, उस दिन मेरे को लग रहा था भाई मेरे से नहीं होगा, अब सहा ही नहीं जा रहा था यार। और इतना पता है आपको, इन 10 दिनों में कम से कम 50 बार फीवर आया, तो आप सोचो ये बॉडी 50 बार 105 फीवर झेल चुकी पूरी बॉडी। फिर उस दिन गाइस फीवर रात में करीब 3-4 बजे, ईद वाले दिन 3-4 बजे मेरे को कम हुआ 101 करीब। ठीक है, लेकिन उससे एक दिन पहले बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रही थी। फिर क्या हुआ, इसी जगह मैं ये सोच रहा था कि भाई इतने बॉडी में छेद हो गए हैं कहीं ऐसे कर दूं कहीं तो स्पाइडरमैन की तरह जाल ना निकल जाए यार इधर इधर, भाई छेद ही छेद हो गए यार सब जगह। ठीक है, इतनी बार ब्लड निकाला तो मैं ये सोच रहा था यार इतना ब्लड निकाल लिया इतना तो बॉडी में है नहीं भाई, इससे ज़्यादा भी मर पड़ जाऊंगा। उसके अगले दिन से गाइस बॉडी अपने आप रिकवर करने लग गई, दवा मेरे को बताने कोई सी दवा करी असर या क्या निकला तो अभी भी नहीं कुछ रिपोर्ट्स में, अभी तक कुछ नहीं है, कुछ निकला ही नहीं रिपोर्ट में, क्या क्यों कैसे हुआ, बस इतना इतना था लास्ट में कि जैसे ही मेरे को फीवर चढ़ रहा था मैं जाके खुद से शावर के नीचे बैठ जा रहा था, मैं शावर के नीचे बैठा था आधे घंटे तक, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं हो रहा जब तक। ठीक है, फिर वही दवाई जो पहले चल रही थी पीसीएम वगैरह वही नॉर्मल नॉर्मल काम करने लग गई, थोड़ी बॉडी रिकवर करने लग गई और सारी कैफियत हाथ से निकल गई, ये एक लास्ट रह गई है। वैसे पिछले 2 दिन से फीवर नहीं आया है, इस दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था उस दिन और कल पूरे दिन, आज से वैसे भी नहीं आया, लेकिन ये वीकनेस बहुत ज़्यादा है मतलब बहुत ज़्यादा है, अभी लेट जाता हूँ तो उठा नहीं जा रहा है, उठ जाता हूँ तो लेटा नहीं जाता यार अभी तो, पता नहीं यार ये। अब आप लोग कहते हो कि इस गेम में सारी गिलिच वगैरह मेरे संग क्यों होती है, भाई रियल लाइफ में मेरे संग ही गिलिच होती है, पता ही नहीं चला हुआ क्या यार। बीच में वहाँ पे सीन चल रहा था कि JNMC से एडमिट कहीं बाहर रेफर करने का, लेकिन मैंने मना कर दिया कि वहाँ पे जो डॉक्टर है यार वो हाई लेवल डॉक्टर, जब उनको नहीं पता लग पा रहा है क्या सीन है क्या हो रहा है, पूरी कोशिश कर रहे थे मुझे पता है, मैं बेहोश पड़ा था जब, तो नए कहीं रेफर होके कहीं जाऊंगा फिर वो शुरू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इतना मेरे को बताया कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं तो वो वहाँ की रिपोर्टों को मानते नहीं हैं, वो अपना चाहते हैं कि आप अपने शुरू से करें, और बॉडी में इतनी जान नहीं थी मैं शुरू से सब कुछ सह पाऊँ। ठीक है, तो मैंने भैया से मना करी, नहीं नहीं भाई ठीक है कुछ दिन वेट करते बॉडी अपने आप रिस्पॉन्स करेगी, अपने आप थोड़ी फाइट करेगी। ठीक है, फिर ऐसा ही हुआ गाइस, हल्का हल्का रिकवर करने लग गई, फीवर जो 104 105 सीधे चढ़ता था वो फिर 102 103 तक रहा। ठीक, फिर एक दिन मैंने डॉक्टर को बोला जो सीनियर मेरे को देखने आए थे, मेरे को एक दिन घर जाना है, ठीक है मैं यहाँ बोर हो गया हूँ, घर जाना है, घर घूम के आना है, तो उन्होंने कहा ठीक है एक दिन का लीव उन्होंने लिख के दे दिया। मैं घर पे आया, थोड़ा इधर इधर मिला, फीवर नहीं आया, नॉर्मल हो गया, फिर उन्होंने फिर दोबारा से गया हॉस्पिटल, उन्होंने फिर बोल दिया घर रहो,
ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो इधर आ जाना, ठीक है। तो घर जब से हूँ उसे फीवर वीवर तो नहीं आया, लेकिन वही कमजोरी है। तो अभी बस यही सीन है कि मैं आ गया हूँ भाई घर में, पता नहीं क्यों होता है यार ऐसे, जब भी कुछ ठीक ठीक ठाक से चलता है कुछ ना कुछ हो जाता है यार। और एक 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 दो स्टोरी टाइम मैं बनाऊंगा। एक वहाँ पे आंटी थी, मुस्लिम आंटी थी, एक कुछ स्टोरी में बताऊंगा कि थोड़ी इसमें बनाऊंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आ गया हूँ वापस, ठीक है, रेगुलर होता हूँ जल्दी। और थैंक यू आप सभी लोगों का, थैंक यू गाइस, थैंक यू।